Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. This is Harshit Arora. This is Vanshika Gaba Arora. और आज हो रहा है कियान का बर्थडे पार्टी। नहीं, आफ्टरनून हो गई है। तो ये कुछ शूट कर रही है और उसके बाद इसको जाना है to get ready। और मैं जा रहा हूँ वेन्यू पे वेन्यू देखने, क्योंकि वेन्यू पे शूट कर लेंगे, सनलाइट में हो जाए। और मुझे जाना है वेन्यू पे देखने, बिकॉज की जो डेकोर है वो स्टार्ट हो जाएगा मेरे पहुंचने के बाद, बिकॉज दे वांट कि आप हो गए तो स्टार्ट होगा। सो आई एम जस्ट गोना गेट देयर। घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दूर है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ रेडी होने अराउंड 4:30, 4:45 के आसपास। एंड तब तक हर्षित आ ही जाएगा, आई थिंक सो, या नहीं आएगा बट हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे ऐसे। एंड या आई एम एक्साइटेड। आज हम थोड़ा अलग अलग व्लॉग करेंगे और जब तक हम रेडी होंगे। और मेरा आउटफिट जो आया है वो लूज है, लेट लास्ट मिनट में इसका आउटफिट ऐसे ही आता है और लूज आया है, तो मैं तो वो नहीं पहन सकता, कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको आउटफिट दिखाता हूँ, बट आउटफिट बहुत सुंदर। अच्छा, मैंने रख दिया, पैक कर दिया। आउटफिट बहुत सुंदर था और मैंने बहुत टाइम पहले दे दिया था बनने, और तब भी बहुत लूज है, तो मैं नहीं पहनूंगा। एनीवे तो मैं चलता हूँ। ही वाज बिजी विद द क्लाइंट, सो मैं जा रहा हूँ फटाफट। अब आपसे मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डेकोर कैसा होने वाला है। और फिर मुझे भी जाना है सैलून, बाल कराने, बियर्ड कराने। भी जा रही हैं आज रेडी होने, बाहर सभी रेडी होने जा रहे हैं। बिग इवेंट, इट्स अ बिग इवेंट। 125 पीपल आर इनवाइटेड। मैंने नंबर ऑफ काउंट भी बता दिया, काउंट। चलिए तो आपसे मिलते हैं। गाइस, तो हर्षित तो जा चुका है वेन्यू पे एंड मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, जो मुझे सैलून लेके जाना है बिकॉज मैं वहाँ रेडी हो रही हूँ। एंड आई एम गेटिंग रेडी बाय मेकओवर्स बाय आलिया। इनका सैलून अशोक विहार में है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड माई आउटफिट इज फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट एंड इट्स अ वेरी 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 प्रिटी आउटफिट। तो मैंने अपना बैग बना लिया है। आई एम ड्रेस्ड इन ऑल कम्फी क्लोथ। आई हैव माई लेगिंग्स जो भी कहते हैं ना, टी शर्ट, एंड आई एम वेयरिंग स्लिपर्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आज मेरा day 2 है ऑफ माई पीरियड, विच इज सिक। क्रैम्प्स आर ऑन पीक एंड तो कैब आने वाली है 2 मिनट में, तो मैं नीचे जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू वेट, बिकॉज हम थोड़ा सा लेट हो रही हूँ मैं। चिंकी दी रास्ते में है, शी एंड मी आर गेटिंग रेडी टुगेदर, वेरी एक्साइटेड। एंड वेन्यू पे हर्षद ने मुझे वीडियो कॉल किया था, अभी एट डेकोर स्टार्ट हो चुका है। इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो चलिए चलते हैं कियान के बर्थडे बैश पे हमारे साथ। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे YouTube व्लॉग का फर्स्ट व्लॉग वॉज कियान्स बर्थडे, एंड अब 1 साल हो गया है वी आर सेलिब्रेटिंग इज बर्थडे। सो एकदम से सारा वैसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। रिमेम्बर फर्स्ट व्लॉग हमने कियान के बर्थडे का डाला था। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बोलती, सांस चढ़ गई है मुझे। लेट्स गो एंड दिखाते हैं आपको क्या है द रेडी प्रेजेंट। ओके गाइस, सो आई एम एट द वेन्यू राइट नाउ एंड लुक एट द टेडी बेयर। सो डेकोर मेरे हाथ में था, मुझे कराना था, मतलब हैंडल करना था। तो टेडी बेयर्स आ चुके हैं। ऊपर दिखाता हूँ आपको कैसा है सेटअप। टेडी बेयर जो ऊपर लगने वाले हैं, और हमारा फंक्शन है रूफ टॉप पे, बट मैं आपको बैंक्वेट नीचे का भी दिखा सकता हूँ। नीचे का बैंक्वेट कुछ ऐसा है, फैंसी, बट हमारा है फंक्शन रूफ टॉप पे। चलिए अब हम चलते हैं रूफ टॉप पे। और भी कोई सामान, हमारा छत का सेटअप जो कि अभी हो रहा है। That's gonna be the stage, but वो भी ऐसे दिख रहा है, वो वैसा नहीं रहेगा। ये हमारा रूफ है, इट्स वेरी प्रिटी। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। ये अंदर का इनर एरिया, जहाँ अगर जस्ट इन केस बारिश हो जाए, बट होपफुली नहीं होगी। एनीवे तो ये हमारा है। और ये है हमारा बाउंसी क्या होता है, बच्चों के झूले होते हैं, वो यहाँ लगेंगे इस साइड। हाँ चलो, आई हैव कम हियर टू हेल्प देम आउट, ताकि जल्दी जल्दी हो सके काम, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4 राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी 5 राइट नाउ एंड द फंक्शन स्टार्ट्स एट 7। सो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लिटिल नर्वस बट विल डू इट। रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने फंक्शन पे भी मतलब ऐसे ही किया था कि मैंने सब कुछ, सारा डेकोर खुद से कराया था, मतलब खुद ढूंढा था। और मैं पहुंचा नहीं था बिकॉज उस दिन तो नहीं पहुंच सकता था टाइमली वहाँ पर, बिकॉज पहले तो नहीं जा सकता था फंक्शन पे। बट आज मैंने कोशिश करी कि मैं पहले आके सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूँ, सो दैट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग व्हिच नीड्स टू बी वर्क अपॉन, तो हम उसे ठीक करा सकें। वंशिका वहाँ ब्लॉग कर रही हो कि मैं यहाँ ब्लॉग कर रहा हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा और बताऊँगा किसने डेकोर किया। पैसे दिए हमने, बट फिर भी सब कुछ बताऊँगा। देखिए कौन आ गया है, लेंस लगा गए। तो हम लोग पहुँच गए हैं एट मेकओवर बाय आलिया। मैं दिख नहीं रही होंगी आपको, छोटे से बीच में। और ये हमारे दोनों के मैचिंग रोब्स हैं। सेम सेम मेरे लेगिंग्स से भी मैच कर। ओके तब हम हेयर के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे एंड मैं कर्ल्स करा रही हूँ बहुत ही बेसिक एंड चिंकी दी ने भी कोई फ्लास के साथ हेयर स्टाइल सोचा उसमें कर्ल्स है एंड ये टायर्ड है बहुत ज़्यादा ये हम हेयर करते हैं थोड़े से डिसाइड शॉर्टलिस्ट करते हैं। सो द हेयर इज़ डन, मतलब मैं ये हेयर स्टाइल नहीं करा रही हूँ, मेरे कर्ल्स को स्टे करने के लिए हमने इसे पिन अप कर दिया है एंड यहाँ पे चिंकी दी इज़ गेटिंग हर मेकअप डन। ओह फुल क्वीन सर्विसेज एंड वी हैव आलिया हियर, वी आर हियर एट मेकओवर्स बाय आलिया, दिस इज़ इन अशोकविहार। तो मेरा नेक हो चुका है, हेयर हो चुका है एंड थोड़ा सा आउटफिट दिख गया आपको एंड दिस इज़ माई कवर अप। तो उसके बाद मेरा मेकअप है, हर्षित हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो मिलते हैं अब आपसे विद द फाइनल लुक एंड सी। अब मैं आपको मिलूँगी सीधा फाइनल लुक कराने के बाद। अभी मैं बहुत स्केप्टिकल हो रही कि मैं लेंसेज लगवाऊँ या नहीं लगवाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ लगवा तो लूँगी ईजिली बट उतारना फिर आपको पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा हर्षित के लिए। देखते हैं, देन वी कंसल्ट विद हर एंड मिलती हूँ आपसे फाइनल लुक के बाद। थोड़ा थोड़ा तो शुरू हो चुका है सेटअप होना, टेडी बेयर्स लग रहे हैं, बैकड्रॉप बन रहा है, वहाँ पर वो बलून्स फुला रहे हैं। टाइम अपडेट 5:20 राइट नाउ एंड वी आर स्टिल नॉट डन येट, लाइक अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है एंड आई डोंट नो हाउ वी विल बी एबल टू डू इट, हाउ दे विल बी एबल टू डू इट एक्चुअली, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू लीव बाय 7 o'clock बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माई हेयर ड्रेसर। तो मुझे भी निकलना पड़ेगा और उससे पहले हमें ये कंप्लीट करना है एंड आई होप मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ ताकि मेरे सामने एटलीस्ट स्टेज बन जाए और उसके बाद मैं निकल जाऊँ। बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया कहाँ पर क्या होना है, बाकी इतना मेजर काम नहीं रह गया, बस यही रह गया उसके बाद कि बाउंसी फुलाना है और बाउंसी मैंने बता दिया कहाँ लगना है। थोड़े बहुत टेडी बियर्स मैंने और ऐड करवाए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐड करवाई हैं, लेट्स सी अभी मैं आपको दिखाऊँगा। अंधेरा होती है ना और अच्छी लगती है जगह, और ये जगह जो है ये है अंदर की जगह, that's inside area and that's me, I love it। यहाँ पे सुन रहे हैं बलून क्विक लुक है बढ़िया फिर तो। मुझे कह रहे हैं जो आपने फोटो दिखाई थी उससे बढ़िया मिलेगा, देखो कितनी जल्दी गुब्बारे बुला रहे भाई, so quick। अभी कुछ ऐसा स्टेटस है, इतना हुआ है, होपफुली विल बी एबल टू कम्प्लीट इट। राइट नाउ एट 6:30, 7 o'clock तक कम्प्लीट करना है। आई एम नॉट श्योर, अभी इस पर पेंट भी होना है, आई एम नॉट श्योर ये कैसे होने वाला है। ये क्लाउड्स लगने हैं ऊपर, अभी ऑल ओवर ये जगह पर क्लाउड्स लग रहे हैं, सो आई डोंट नो। और अभी ये टेडी बियर भाई साहब आए हैं, इनकी आइज़ नहीं है तो वो चेंज होने जा रहे हैं, दूसरे टेडी बियर आएंगे। अभी केक का टावर आना है, लाइट्स लगनी है। आओ ये आ गया हमारा केक आईफिल टावर वाला, और ये थोड़ा डेकोर हो चुका है, अभी भी वी आर लेफ्ट विद ये गन है। अच्छा इसमें इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, यहाँ पे बाउंसी लग रहा है, केक आ चुका है हमारा, स्टेज ऑलमोस्ट रेडी है, वो बस पेंट होना है पीछे, स्प्रे पेंट। टेडी बियर्स लगने हैं, होपफुली थिंग्स विल गेट, ये बस इस पर बैलून्स लगने हैं, थिंग्स विल गेट कम्प्लीटेड ऑन टाइम। आई जस्ट लव दिस केक, इसमें लाइट जलने वाली है अभी, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। ये आउटफिट था जो मुझे पहनना था, मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ ऊपर से, बिकॉज थीम इज़ वाइट, तो मेरा आउटफिट ये होना चाहिए था टेक्निकली, बट ये मुझे आया नहीं अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेटली ये मुझे बहुत ही बड़ा है। थैंक यू वैभव ऋषि। तो मैं अब ये पहनने वाला हूँ, ब्लैक एंड वाइट। आई विश मेरे पास लास्ट मिनट चॉइस होती, बट मेरे पास चॉइस नहीं है। अब मुझे फटाफट निकलना है बिकॉज अब मुझे फटाफट निकलना है बिकॉज आई एम रियली 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 लेट एज यूजुअल। सो अब फटाफट निकलते हैं, और चाबी पता नहीं कहाँ रख दी, बिकॉज आई एम द ओनली वन हू हैज़ टू लॉक द डोर नाउ एंड लीव, क्योंकि सब तैयार होने गए हैं। सो ओके बाय। ओके सो आई एम ऑल सेट एंड आई एम गोना शो यू हाउ शी इज़ लुकिंग। वाला दैट्स द फाइनल लुक एंड अब हम लोग लेट हो रहे हैं बहुत, फंक्शन में जाते हैं, सीधा आपसे मिलते हैं वहीं जाके। ओके तो ये है, हम रेडी हैं, और मैंने ब्लैक क्यू मैंने आपको बता दिया था घर में, और ये है हमारे गिफ्ट जो कि किए हैं डिलाइट बॉक्स ने कियान के रिटर्न हैम्पर्स लास्ट मिनट एंड उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था लास्ट मिनट ही, सो बिग 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 थैंक यू टू मुग्धा एंड डिलाइट बॉक्स। और ये है हमारा डेकोर, फाइनल डेकोर जो कि किया है VYOB ने। ओके गाइस, सो हम लोग आ गए घर, बाकी सब अभी फंक्शन पे हैं और हम लोग आ गए घर क्योंकि हमारी बहुत घर घर के लोग हैं जो मतलब द होस्ट पीपल आर लेफ्ट देयर। मम्मी भी नहीं आई है अभी, मम्मी भी थोड़ा लेट आने वाली है, मतलब उनके साथ ही आएंगी। हम लोग आ गए बिकॉज मेरे को आई टोल्ड यू मेरा डे 2 है ऑफ पीरियड्स एंड आई वांटेड टू कम बैक होम एंड मैं बेला को पिक करना था, सेकेंडरी रीजन क्योंकि वो अपने बोर्डिंग में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, बट मेरे को हो रहा था कि नाउ I was very tired और एक बज चुका है वैसे भी। हाँ। और मैंने तो आज इतने चक्कर लगाए ऊपर नीचे इधर उधर क्योंकि मैं पहले इधर गया, वहाँ वेन्यू पे गया, फिर मैं मम्मी को स्प्रे देने गया, मम्मी को स्प्रे देने गया, फिर मैं अपने सैलून गया, फिर मैं वंशिका के सैलून गया, फिर मैं वंशिका के सैलून से कैब बुक करी। चक्कर चक्करिंग मुझे हनी सिंह लग रही, मैंने मैं बोल रही थी मुझे सेट होता है। तो एनीवे अब वंशिका लेंस उतारने वाली है तो आपको दिखाते हैं। लगवा तो आई है चौड़ में, मैंने पूछा कौन उतारेगा, मेरे बाल भी ऐसे हेयर स्प्रे लग लग के। मैं गई मैं तो नहाऊंगी बिकॉज़ मेरे यहाँ तक ना मतलब आलिया ने इतना अच्छे से मेकअप किया था ना कि उन्होंने नेक मतलब मेरा यहाँ तक ना था मेरा, तो उन्होंने पूरा फाउंडेशन लगाया अच्छे से, सो मुझे वो हटाना चाहता और कि मैं नहा ही लेती हूँ। मेरे बाल में इतना स्प्रे है ना, इतना स्प्रे है, एटलीस्ट वॉश योर हेयर। हाँ क्योंकि मुझे ना इतना टाइम पसंद नहीं है ये सब बालों में लगाना, बट उससे पूरी बॉटल उड़ दी है ऐसे लग रहा है मेरे ऊपर। अब बेला ने भी अपना खाना खा लिया है। Now it's time to remove her lens. Let's do it. Okay, so it's time to remove her lenses. Let's do it. It's gonna be a task. I hope, I pray कि जल्दी उतरवा लो। Open your eyes. हाँ साफ़ है? हाँ, I've washed. Open your eyes. Look down. हाँ, look down. Up, up, down. सामने सामने देख सामने. God, this is gonna be like. Really tough for me. क्यों लगवाती है पता नहीं, मुझे लेंस लगवाना बहुत पसंद है बट यही मेरे को बहुत गंदा लगता है। अच्छा बस ठीक है, सामने देखो, सामने सामने देखो, लुक वहाँ गेट की तरफ। Babe, you can't do this, please, please, please. Listen, you can't do this. लेंस नीचे चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। You have to take it to the hospital then, okay? Look सामने सामने सामने। Babe, you can't do this, please. I beg you, please, we can't do this. ठीक है ठीक है, sorry. Babe, निकल गया निकल गया निकल गया. Okay, God. I have to be practical with her. Like इतना मुझे ड्रामे करने पड़ते हैं ना कई बार, ऐसे डायलॉग में। बेला. Next time we don't put, please. नीचे. Please. Next time onwards, this woman is not gonna get lenses because. She's pissing me off right now. Like she's pissed me off. मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। लेंस नीचे चला गया था। ये पागल है। Anyway, तो हम जा रहे हैं। मतलब ये जा रही है नहाने, हम ये जा रही है नहाने। फिर हम कुछ खाएंगे। आप ये सोचो कि हम फंक्शन से आए और खाना नहीं खा के आए। फैमिली मतलब इतने क्लोज फंक्शन से आए और हम खाना नहीं खा के आए। तो हाँ, हम खाना नहीं खा के आए क्योंकि होस्ट की पोजीशन पे होते ना, होस्ट भी मतलब पर हम थक चुके थे भाई, हम बहुत टायर्ड थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाते हो ना तुम हाँ, और मुझे उस टाइम पे हो रहा था, मेरा आउटफिट कंफर्टेबल था, सब कुछ मेरा मेकअप है सब कंफी था, मुझे बस हो रहा था कि मैं फिर भी अब घर जाऊँ, फटाफट ऐसे शावर चला के खड़ी हो जाऊँ और फिर मैं लेट जाऊँ, फिर मैं कुछ खाऊँ आराम से। लकीली वी हैड अ शूट टुमारो जो कि बहुत हेक्टिक शूट था, लाइक सुबह से लेके रात तक का शूट था। लकीली वो पोस्टपोन हो गया। लोकेशन स्विच करनी है, नोएडा जाना, नोएडा से रोहिणी, रोहिणी से प्रीतमपुर शायद, ऐसा कुछ था, 2-3 लोकेशन थी एंड वी वर सो टायर्ड। सो अब तो ऐसे लग रहा है कोई उठाए ना कल सुबह, सही है, बट कल भी कुछ है। हाँ मतलब उसके लिए इतना फैंसी वैंसी तैयार नहीं होना ना मैं कि मतलब वो ये करना है वो करना। चलो गाइस मैं नहाने जा रही हूँ, सॉरी मैं नहाने जा रही हूँ दोबारा से, मैं जा रही हूँ नहाने में, वो गीजर ऑन करना है, मुझे अच्छा लग रहा था गर्म पानी, मिलते हैं आपसे, बाय।